नतीजों पर फोकस, शुरुआत में तो किसी हैटसन एग्रो का एबिटा 46% का जंप, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की एनआईएम्स में इंप्रूवमेंट, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के मार्जिन अच्छे खास से कॉन्ट्रैक्ट करे, केसराम इंडस्ट्रीज के भी ऑपरेशनली काफी चैलेंजिंग क्वार्टर, इंद्रप्रस्थ मेडिकल में कल एक लार्ज ट्रेड हुआ इसीलिए ग्रीन करा, सारेगामा में वो डिमांड ऑर्डर आता हुआ तगड़ा है अगर कैलकुलेशन करें तो, केना मेटल और एचपीएल इलेक्ट्रिक ने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करे तो इसीलिए ग्रीन कर दिया, विप्रो खराब नतीजों पर कल संभला है, बल्कि ऐसा लग रहा है ऑलरेडी डिस्काउंटेड फॉर था, आज फिर ग्रीन रखा है इसको ओवरनाइट की उसको देखते हुए। अनूप इंजीनियरिंग आज एक्स डेट है, वो बोनस की देखते हैं उसके बाद किस तरह का डिमांड ट्रैक्शन आता है, इसको ग्रीन रखते हैं 10 रुपए। ओके तेजस, इस तेजस नेटवर्क नतीजे काफी बढ़िया है इसमें और क्वार्टर फोर बहुत शानदार रहा, तो इसको ग्रीन में रखिए। एबी मनी के भी नतीजे बहुत बेहतरीन निकल के आए हैं, इंडस टावर में सेलेसे ने एक अपग्रेड दिया है, आउट परफॉर्म से बाई कॉल 450 का टारगेट, जीएसपीएल में लगता भी और पेन बाकी है, गोदरेज एग्रीमेंट में एक करीब 100 करोड़ से ज़्यादा इनको एक नोटिस मिला था लेकिन अब वो रेक्टिफाई होकर के अब वो सिर्फ 1.5 करोड़ का ही बचा शायद, M&M फाइनेंशियल में एक फ्रॉड डिटेक्ट किया गया 150 करोड़ तक का, तो उसकी वजह से इसमें दबाव रह सकता है, SBI कार्ड में ब्रोकरेज कॉल है लेकिन इक्वल वेट है, टारगेट 750 का ही रखा गया है, गेल में मॉर्गन स्टैनली का 245 का टारगेट है, बजाज फाइनेंस पे UBS ने सेल कॉल दी है और 361 मैम के आज रिजल्ट्स आने हैं, तो वेल्थ वाली कंपनीज के रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं इसलिए इस उम्मीद में इसको ग्रीन में रखना चाहिए। चलिए भाई मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, डे टू है आज और मंगलवार का दिन, बहुत ही शानदार दिन, हनुमान जयंती भी है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है रादर, और US मार्केट में थोड़ी सी कई दिनों की 6 दिनों की गिरावट के बाद एक रिकवरी देखने को मिली है और भारतीय बाजारों में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, कई सारे नतीजे आज भी आने उन सब पे है, तो क्या मूड बनेगा आज, कैसे इस मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, इन सब पे डिस्कस करेंगे इस शो में। गुड मॉर्निंग अनुज, कैसा लग रहा है आज का बाजार? जी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए एक चीज़ कहते हैं और देवता चितना धरी हनुमत सही सर्व सुख करी, ठीक है ना, क्योंकि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, इस लाइन का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप सब देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते जो कि टफ होता है ऑब्वियसली, तो आप हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ लीजिए तो ये माना जाएगा कि आपने सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली। इसके लिए ये जो हनुमान चालीसा में ये लाइन लिखी गई है उसका ये महत्व है, हनुमान चालीसा में जो एक एक लाइन लिखी गई है उसका अपना महत्व है, इस लाइन का ये महत्व है, और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।